अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया गेम प्ले, M24 का। रोम खेला था हमने 2v2 का। तो M24 लवर्स हाज़िर हों, हाज़िरी लगवाओ जल्दी से। तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले गया था और काफ़ी अच्छे किल निकाले थे, लेकिन इस गेम प्ले में एक मसला हो गया था। वो मसला क्या था आगे चल के देखेंगे। तो काइंडली अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ज़्यादा आगे तक वीडियो जाए और आपका भाई का चैनल ग्रो हो सके। तो बाबू जी, यहाँ हमने पहला हेडशॉट दिया था और हमारे टीममेट ने दूसरे को डाउन किया था। चार चार किल बराबर हो चुके थे, 3 किल मेरे टीममेट के थे, 1 किल मेरा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गेम प्ले गया था, काफ़ी अच्छे किल निकाले थे। मैं समझा कि वो ऐसे खड़ा, लेकिन मेरा भी नेट का इशू था, देख सकते हैं। मैंने काफ़ी पहले शॉट लिया था लेकिन उसका किल काफ़ी बाद में मिला, तो नेटवर्क इशू था जो मामूल की बात है, चलता रहता है। तो इसे नज़रअंदाज कीजिएगा। तो यहाँ लैग स्टार रनर्स ने मुझे शॉट देख किया, डाउन 6 किल 7 किल उनके हो चुके थे, 5 किल हमारे थे, 5 में से 2 किल हमारे थे, मेरे थे, मीन्स 3 किल मेरे हो चुके हैं, 4 किल मेरे हो चुके हैं, ये 5 किल मेरे हो चुके हैं बाबा जी। तो ये हमने एक को डाउन किया, दूसरे को किया, दोबारा से इतनी देर में एक और आगे उसे डाउन किया। तो 2x3 की या 2x2 की फाइट थी, तो मुझे सही से नहीं याद 2x2 थी या 2x3 थी। तो मेरे ख्याल में 2x3 की शॉट, ये 2x3 का ये मैच था। 2 हम थे 3 वो थे। तो क्या हम ये गेम प्ले जीत पाए थे या नहीं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्ट गेम प्ले था, नोट वाला सीन था, जस्ट इंजॉयमेंट के लिए था। तो यहाँ बस 5 किल अभी तक के लिए मेरे रुक गए थे, 8 किल टोटल मारे हो चुके थे, 3 किल मेरे टीममेट के, 5 किल मेरे, और 11 किल एनिमीज़ के हो चुके थे जो हमारे लिए टेंशन वाली बात थी। 12 किल उनके हो चुके थे जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात थी। वो इसलिए थी क्योंकि हम 2 थे और वो 3 थे, तीनों ठीक ठाक खेलने वाले, 2 तो काफ़ी अच्छा खेलने वाले थे और 1 जो था उनमें जो न्यू था कैप्टन उमैर, तो वो बस ठीक ठाक ही खेल लेता है। तो या मैंने शॉट दिया, दूसरा शॉट दे के मेरे टीममेट ने किया डाउन किल, मेरे टीममेट को मिला। तो कोई बात नहीं बाबा जी, कभी हमें मिल जाएगा, कभी हमारे टीममेट को। तो कैप्टन उमैर को हमने दिया शॉट और किया डाउन। 5 की लीड अभी तक हमारे लिए थी जो काफ़ी बड़ी लीड थी, लेकिन तोड़ पाना उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं था हमारे लिए, कि हम तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते, तो ये तो आगे चल के पता चलेगा। स्टार रनर्स को डाउन किया, लेजेंड नुमान को किया डाउन। 12 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं, 8 किल मेरे थे और 4 किल मेरे टीममेट के थे, अब 9 किल मेरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जैसे किल मेरे जा रहे थे तो मुझे लगता था कि मैं काफ़ी ठीक ठाक और अच्छे किल निकालूंगा, लेकिन 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 हमारे साथ प्रैंक हो गया, कुछ मसला हो गया। वो आप देखेंगे क्या मसला हुआ था, तो अंदाज़ा लगाइए, गैस कीजिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पुश कर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मसला हुआ होगा। तो देखते हैं कि आपका तुक्का अच्छा लगता है, सही लगता है या नहीं लगता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और ये हमने एक शॉट दिया लेकिन लेजेंड नस डाउन नहीं हुए, और मेरे एनिमी की जो स्पीड है वो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो हो चुकी थी, मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था, क्योंकि गेम का जो इनसार होता है किल निकालने का और ख़ुद के बचने का इनसार जो होता है वो आपकी मूवमेंट पे होता है, क्योंकि जितनी आप अच्छी मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप एनिमीज़ की बुलेट को पिछाड़ कर, सस्ती उर्दू, तो एनिमीज़ की बुलेट को पिछाड़ कर बचेंगे और उन्हें किल नहीं देंगे और आपके किल ज़्यादा होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बंदा था वो क्या कहते हैं फरारी गड्डी जो है ना, फरारी गड्डी गाड़ी, तो जितनी उसकी स्पीड है तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा तेज़ जा रहा होगा शायद वाली बात है। तो ये हमारे बंदे को पड़ गया था दौरा, जो मैं बात कह रहा था जिसकी वजह से मेरे किल अच्छे निकले या नहीं वो तो आगे चल के पता चलेगा। कैप्टन उमैर ने यहाँ मुझे इजीली डाउन कर दिया, क्योंकि आप मूवमेंट देख सकते हैं जैसे जैसे मैं मर रहा था मेरा बंदा बहुत स्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, खेलने में काफ़ी मसला आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपके भाई ने गेम को
जीतने की कोशिश की, और देखते हैं कि ये गेम प्ले हम जीते या नहीं जीते। 14 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे, 15 किल हो चुके थे, 1v2 अभी तक हमने कर लिया था, और देखते हैं 1v3 नहीं कर पाता, क्योंकि तीसरे को मेरे टीममेट ने कर दिया था डाउन, जो हमारे लिए ठीक बात थी। ठीक बात इसलिए थी क्योंकि हमारे किल बराबर हो रहे थे, मैंने देखा स्टार रनर्स इधर से आएगा, ये हमने एक शॉट दिया, दूसरा शॉट मेरे टीममेट ने दे के डाउन कर दिया, किल जाते मेरे टीममेट को, ये मैंने एक शॉट दिया और दूसरा शॉट उसने मुझे दिया और मैं चल बसा, तो सॉरी ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मेरा बंदा जो था वो दोबारा से वापसी आ गया, वहाँ से किल मिल गया, तो ये मुझे काफ़ी गुस्सा है यार, एक को एक शॉट दिया, दूसरा शॉट मेरे टीममेट को और किल टीममेट को मिला, दूसरे को एक शॉट दिया वो नहीं मरा, उसने मुझे एक शॉट दिया और मैं मर गया, जबकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ग्लिच आ रहा है स्लोमो का। तो बाबा जी गुस्सा भी आ रहा था लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे। आप देख सकते हो 29 किल हैं अभी तक हमारे टोटल और मेरे हैं 15 किल, 30 किल हो चुके हैं और मेरे, या 16 किल, 31 किल हो चुके हैं और मेरे 16 किल हो चुके। अब आखिर के 9 किल्स में देखते हैं कि मैं इस स्पीड में कितने किल निकाल सकता हूँ। ये 1 किल निकाला अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा शॉट दिया लेकिन नहीं डाउन हुआ, ये शॉट दिया दोबारा से डाउन नहीं हुआ और मैं डाउन हो गया। तो बाबा जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, गुस्सा इस चीज़ का आ रहा था कि एक तो ये जो पबजी के ग्लिच हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे, दूसरा एनिमीज एक शॉट से मरने का नाम नहीं ले रहे, तो ये मैंने शॉट दिया और उसी टाइम स्टार रनर्स बुलेट उठाने के लिए नीचे हुआ और उससे छू कर गई गोली, बस मौत को छू के टक से वापस आने वाली ट्रिक एनिमीज के लिए हो गई आज। तो कोई नहीं बाबा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है, टेंशन नहीं लेंगे। दोबारा से हम भागे निकले और किल निकालने की कोशिश की, हम एक शॉट पड़ा, दोबारा से कवर में गए क्योंकि ओपन में जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, और क्या खतरे से खाली, इतनी देर में उसने मुझे किया डाउन और मेरी गेम स्टक हो गई थी, क्योंकि नीचे बैक ऐप में चला गया था, तो ये मैं स्लिप पे लगा रहा था कि चलो थोड़ी सी मूवमेंट में फ़र्क आ जाएगा और एनिमीज की गोलियों से बच सकूंगा, और क्या देखते हैं मैं बच पाया या नहीं। 36 किल हो चुके थे, 36-36 की लीड बराबर थी, ये मैंने शॉट दिया कैप्टन उमेर को और अल्हम्दुलिल्लाह 18 किल हमारे हो चुके थे और उन्होंने मुझे डाउन किया और ये 37-37 बराबर हो गया। मेरे टीममेट ने एक और किल निकाल, 2 किल निकाल लिए, 39 किल हो चुके थे। अब मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि यार अब जीतने के हक में है, लेकिन मुझे टेंशन थी कि जो मेरी इस टाइम ग्लिच आ रहा है उससे मैं हार न जाऊं, हम हार न जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने शुक्र हम पर अपनी रहमत की और हमने ये गेम प्ले जीत लिया। तो वो 22 किल मेरे टीममेट के थे, 18 किल मेरे थे। तो कैसा लगा आपको गेम प्ले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।